बना रहे क्या? मैं तो मिनी बनाऊंगा, अपने बनाऊंगा पूरा व्लॉग व्लॉग। चाहे नहीं बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे भाई, हम अपने लिए बनाएंगे। ये गाइस हमारी है पहली गाड़ी स्विफ्ट, सेकंड गाड़ी हमारी सिलेरियो हो रही, और ये रही हमारी स्वीट सी आयशा, और ये रहे हमारी भाभी जी। भाभी जी नमस्ते, कैसे हो? वीडियो बना सकते हैं? ठीक है आराम से जाना। ये हमारी दूसरी गाड़ी है, ये हमारी एक गाड़ी है, और जा कहाँ रहे हैं वो हम मॉर्निंग में बताएंगे। और ये हमारे हैं सोनू भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक है एकदम। सोनू कैसा है? तो भाई डीजल आया अपना 3,039 रुपए 33 लीटर, और ये हमारी भाभी जी। हेलो, वीडियो बना सकते हैं नॉर्मल? ठीक है ओके। ये हमारी स्विफ्ट जो कि बहुत बढ़िया लग, कौन से? ये हमारी मालकिन। अरे तो ये है ही नहीं यार, वो है वो। चल अंदर बैठ जा। चलो भैया अंदर चलते हैं। और भाई सीन हो गया, तो गाइस रात के कुछ 12 बज रहे हैं और अभी हम दिल्ली से निकल रहे हैं, और जो भी ब्लॉगिंग वगैरह होगी छोटे मोटा दिखा देंगे, बाकी आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। भैया जी बहुत ठंड है, फॉग ही फॉग हो रहा है, ठंड भी लग नहीं रही, ठंड भी है नहीं। अरे नहीं यार 12-13 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में था, हमें तो लग रही है। चल ले ले ऑर्डर कर दे। ये जो भाई साहब आ गए हैं भाई, दिन हो गया है और अपन पहुंचे हैं पठानकोट, यहाँ से कुछ 48 किलोमीटर बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है तो 25 समथिंग है भाई। अच्छा 25 समथिंग है। और अभी मैं ये सिलेरियो चला रहा था और स्विफ्ट भी मैंने चलाई, तो कंफर्टेबल के मामले में थोड़ी सी ये छोटी है, लेकिन मजा इसी में आया मेरे को चलाने में, सही होता हूँ तो। स्मूथनेस है इसकी गाड़ी चलने में, ये थोड़ी मेरे को बड़ी लगती है, इसको ना थोड़ा डर सा लग रहा था भगाने में। एक तो एकदम से उठती है ये, थोड़ा धीरे 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 यानी प्लेन चलती है। हाँ थोड़ा है डेंटिंग वेंटिंग का काम है तेरे में थोड़ी सी, बाकी पावर अच्छी खासी है भाई, डीजल इंजन पुश अलग ही दिखता है। तो भाई ये प्लान इंस्टेंट ही बना था, 26 जनवरी थी एक तो मेरा 26 जनवरी को ऑलमोस्ट प्लान बन ही जाता है हर साल का, तो इस बार बाइक नहीं थी तो मैं भाई गाड़ी लेकर आ गया दो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी अरे टूर की, और बाकी मजा बहुत आ रहा है, ड्राइविंग के मजे लिए जा रहे हैं राइड को छोड़ के। सोच रहा हूँ कि अब गाड़ी ले ली जाए। और क्या है ना, बाइक रख के गाड़ी लेनी चाहिए। वहाँ बाइक नहीं छोड़ेंगे, बाइक भी रहेगी गाड़ी भी रहेगी, दोनों जरूरी। शुरुआत करी है ना वो चीज भूलनी नहीं चाहिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए। स्टार्ट किया सब लोगों ने, स्कूटी स्प्लेंडर से स्टार्ट किया, स्प्लेंडर अभी भी है मेरे पास, बेची नहीं मैंने। स्कूटी है नहीं, वो बेच दी यार, गलत क्या, वो कूड़े में गई है। अरे 1.5 लाख किलोमीटर चला दी, मार भी तो ली थी पूरी, वो बचा ही नहीं था उसमें कुछ, गल गया था पूरा वो। हाँ काफी काफी चलाई थी। चलो चला रहा है ना अभी तो? हाँ ठीक है चलो, अब मैं थोड़ा बैठूंगा, चेक कर रहे हैं टायर। मेरे लेस खुल गए भाई साहब, इसके तो फुल हैं। हवा तो ठीक है भाई, सही है हवा, ओके। हाँ चलो देखो भाई कितना बढ़िया इसका डैशबोर्ड है, अंदर से इसमें बड़ा सा डिस्प्ले, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया लगा रहा हमारे सनी भाई ड्राइवर। भाई मैं नया बनाऊंगा अभी ड्राइवर, पहली बार भाई 3 महीने में, अभी 3 महीने हुए सिर्फ ड्राइविंग करते हुए, और सीधा कश्मीर जा रहा है। ये तो बताते जब पहली बार हस्कवर्णा ली थी तब कहाँ गया था? तब गया था सीधा लद्दाख, सीधा लद्दाख गया था पहली बार का हस्कवर्णा। भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते रहो। तो लोग गाइस माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं, और पहली ड्राइव सन्नी के हाथों पहाड़ों में, पहाड़ों में कहाँ गए, पहाड़ों में खेला आ गया, खेला आ चुका है। तो फिलहाल हम भाई चिनानी टनल पहुंच चुके हैं, और दोपहर के 1:30 बज चुका है, खाना हमने खाया था बहुत ही वाहियात खाना मिलता है भाई कश्मीर में, सच बता रहा हूँ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता यहाँ का खाना। और बाकी तो पीछे बैठे हुए हैं वो, उनको भी ऐसा ही लगा, किसी को भी पसंद नहीं आया यहाँ का खाना, तो आगे से जो भी खाना पीना होगा ना थोड़ा सा देख के खाना पड़ेगा। और आपको भी बोल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा ना टेस्ट कर लो पहले खाना, उसके बाद ही ऑर्डर देना, ऐसे ही नहीं अंदाजन ऑर्डर दे दो, क्योंकि टेस्ट बहुत वाहियात होता है अगर आप वेजिटेरियन हो तो, नॉन वेजिटेरियन हो तो चल जाएगा। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, गाड़ी एकदम ओके चल रही है, और रोड भी बढ़िया है। चिनानी टनल बस आने ही वाली है, 6 किलोमीटर बचा हुआ है, और सुनने में आया है कल हमारा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर, और हमारा किस्मत इतनी बढ़िया है, जब भी आते हैं भैया स्नोफॉल तो मिल ही जाता है, और हमने पहाड़ों पे बर्फ भी देखी। चाहिए क्या और क्या चाहिए भैया, कश्मीर आ गए, बर्फ मिल गई, स्नोफॉल मिल गया, बस
बाकी आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो सूखा पड़ा है इधर और गर्मी काफी ज्यादा है, धूप निकल रही है। दिल्ली से ज्यादा गर्मी पहाड़ों पे है भाई। मैं नैनीताल गया था, वहाँ भी गर्मी मिली, यहाँ पर भी गर्मी मिली। लोगों को झूठ लग रहा होगा। हाँ, लेकिन भाई गर्मी है, हमने विंडो खोल रखी है। तो भाई लोग फाइनली पहुंचे हैं और अपने को क्या मिला भाई? यार अपने गाने चल गए हैं भाई, लीड मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज तो आई रही होगी। और बाकी अपन पहुंच चुके हैं भैया जी बनिहाल, और यहाँ से जवाहर टनल का रास्ता चालू हो जाता है। और लास्ट टाइम सेकंड टोल भी है, और हर टनल से बड़ी टनल से पहले टोल बूथ जरूर आता है, कटवाना पड़ता है भाई साहब। और काफी सही है। और भाई बर्फ देखो भाई, पहाड़ों पे बर्फ दिख गई है यहाँ से ऊपर ऊपर हल्की हल्की। अब देखो टनल के बाद कैसा नजारा होता है। ये टनल से पहले बिल्कुल सूखा सूखा, ये देखो सूखा सूखा नजारा। मैं सूखी हूं। तो ये टोल कट रहा है, सामने हमारी सिलेरियो भी जा रही है और ये हमारी स्विफ्ट भी जा। मजा आ जाए, सामने बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाए दूसरी तरफ, देखते हैं कैसा रहता है सीन। और अपनी शक्ल कुछ ऐसी हो रही है। तो मैं गया था 2 घंटे के लिए, बाकी तो नींद पूरी हो गई है और मजा आ रहा है। कटिंग करा लेना लव है, हमारी पूंछ निकल रही है ना, बहुत बेकार लग रही है ये। कटिंग तो मेरे को करानी है, लेकिन अब तो कराया नहीं, सही अपनी दुकान है भाई। लेकिन मैं उस पर गया था यार एक बार, लेकिन कटिंग अच्छी नहीं करी थी उसने। फिर पीछे कर लो, पीछे कर ले भाई, बैलेंस खत्म हो गया अपने टोल का। इसमें 2000 डाल ले, 2000 डाल ले एक बार में। मैं उसे भी बोल रहा था कि भाई 3000 डाल ले एक बार में, कलेश खत्म। तो भाई 2000 रुपए डाल दिए और अब देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। अपडेट तो खैर हो चुका है, बाकी टोल के ऊपर है। ये क्या बात है, लड़का तेज चल रहा है पीछे कर लेता। 200 रुपए ले लेता। तो इसी से हमने स्मार्ट वर्क किया और 200 रुपए बचा लिए। 2-5 मिनट भी नहीं होंगे। आज मैंने जो लद्दाख वाली सिम खरीदी थी वो आज बहुत काम आ रही है। सही वही नहीं तो, किसी की नहीं, चल रही। नहीं तो हम ना मिल पाते, हम दोनों अलग ही भटक जाते। सन्नी अलग भटक जाता, हम अलग चलते रहते, मिल ही नहीं पाते, कनेक्शन ही नहीं बन पाता कैसा। तो अच्छा हुआ कि सिम जरूरी है भाई, कश्मीर आओ तो सिम जरूर ले लेना भाई। टनल का दिखा कब आएगा? टनल बस आने वाली है, बस नजारे चेंज हो मिलने चाहिए। ये जो देखो ऊपर बर्फ पड़ी, खाली पहाड़ है ना, इनको बस व्हाइट कर दो। भाई दूसरी टनल आ गई है ना। हाँ ये है, सन्नी भाई भी अपने साथ में ही आ गए। सन्नी भाई ये रुक गए थे हमारे स्मार्ट वर्क। क्या है, कौन सा है, क्या नाम है इसका? जोहार टनल बनिहाल काजीकुंड टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल है। ये एंट्री कर ली हम लोगों ने। ये देखिए गाइस नई टनल बनी है, अच्छी बना रखी है। ये मुझे लग रहा है टू वे है, ये सब जाने जाने का है। हाँ ये बन में जाने, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा आने का उस साइड से, बहुत अच्छा किया ये। तो हम बिना किसी जाम के हमने एंट्री कर लिया भैया कश्मीर में, बिना किसी जाम के। क्या बोलता है, खाली मिला ना रोड एकदम, कोई ट्रक, कोई भी ट्रक ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली से सीधा हम यहाँ पे आ गए, इतनी बड़ी बात है। डायरेक्ट दिल्ली से चले थे और हम पहलगाम लगाने वाले हैं गाड़ी को, और ये फर्स्ट टाइम होने वाला है पहलगाम। 80 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 80 किलोमीटर मुश्किल से 80 किलोमीटर रह गया। हाँ बोल, मैं कह रही हूँ मनाली में आए ना, यहाँ पे ट्रैफिक शीशा बंद कर। हम तो भैया पेलते हुए ला रहे हैं गाड़ी को, सही बता रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, ये चल ड्राइव कर रहा है, ये ड्राइव कर रहा है, तो मैं सो रहा हूँ ऐसा। बात तो मैंने एक ही बोल दी वैसे। हाँ वो मैं बोलने वाला था, ये बोलना चाहिए जब ये सो रहा है तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब बंदे समझ गए, बंदे हमारे स्मार्ट है, वो समझ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई इसी टनल खत्म होने वाली, अब देखते हैं क्या नजारा रहता है, बर्फ का स्वागत होता है हमारे लिए या नहीं। 2-3 गो नहीं है, मोए मोए, ये तो मोए मोए हो गया है हमारा भी। छोड़ा पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। वैसे आ रहती है ना पूरा, हाँ फुल एकदम वाइट। तो गाइज ये है कुछ पहलगाम का नजारा मॉर्निंग का, और ये हमारी गाड़ी जो कि फुल बर्फ़ से ढकी हुई है। और अभी हम नीचे गए थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पे इन कुत्तों ने परेशान कर दिया, चिल्लाए जा रही है। तुम इसको हटा लेना ना।
मैं क्या हटाऊं? रुक 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 आ रहा हूँ भाई साहब, ऐसे घुमा भाग भी नहीं सकते इधर तो। रुक रुक अभी रुक जा आ जाओ। तो यहाँ पर भाई बहुत उचड्डा है और ब्लैक आइस जमी पड़ी है, और अपनी स्विफ्ट तो निकल गई है, खाली इसके ना थोड़े टायर घिसे हुए हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है सन्नी की गाड़ी से, बाकी भाई मज़ा बहुत आ रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारा डे टू कश्मीर ब्लॉग का, और सनी भाई क्या बोलना चाहोगे इस खूबसूरत वैली के बारे में? खूबसूरत वैली बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी ये खूबसूरत है उतनी आपके लिए डेंजरस भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक आइस। देख लो भैया, और भाई फर्स्ट टाइम स्नोफॉल हुई है ये 2024 की यहाँ पर, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हम बहुत लकी हैं भाई, जहाँ भी जाते हैं स्नोफॉल मिली। यो सोनू भाई है क्या, बर्फ में गाड़ी चला रहे हो पहली बार? चलाई में ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ अभी सुन बैठा के। कोई नहीं चलता रहे। देखो पीछे वाला बंदा फिसल गया, गिर गया। देख कौन, देख पीछे देख बाबू। हाँ चलो भाई। कौन पिट्टी किया मेरे को बताओ। यहाँ भी वीडियो कॉल चल रही है, आगे देख, बस मोड़ ले। अबे इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ पे, बर्फ दिक्कत नहीं है। हाँ ये एंजॉयमेंट है, बस वही है। चल सीधा। चल अब धूप तो भाई बेता वैली आए हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी, बर्फ मिली थी अच्छी खासी, और यहाँ देखो भाई क्या नज़ारा है। यहाँ पर ये फोटोज वगैरह खिंचवा रही है कश्मीरी ड्रेस में। ये है गाइस बेता वैली का व्यू सर्दियों में, जनवरी के टाइम पे, ऊपर एकदम बर्फ ही बर्फ। तो गाइज बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय कर। बेताब वैली से सीधा हम आए हैं तो चंदनवाड़ी, यहाँ से गाइज क्या बोलते हैं आपका अमरनाथ की यात्रा चालू होती है, ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और ये व्यू है यहाँ का बहुत ही सुंदर। ये रहे हम, और ये रही आयशा, विवेक और दीप्ति। इनको डर लग रहा था नीचे आने में, लेकिन हम सुनने वाले थोड़ी हैं, लेकर ले जाकर मानेंगे दिल। चलो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे व्यू वगैरह फोटोज वगैरह लेंगे, इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पर वसूल कर जाएंगे कुछ ना कुछ। चलिए। क्या कह रही, केदारनाथ की याद आ गई? इतना डर लग रहा था, एक छोटा हाथ। फुल मौज ही मौज भाई साहब, पूरा बर्फ जमा पड़ा है। और गाइस इस जगह का नाम है चंदनवाड़ी, अगर आपको ये सब देखना हो तो आपको जनवरी और फरवरी के महीने में ही आना पड़ेगा, तभी ये सब मिल पाएगा, अदरवाइज आपको सूखा मिलेगा, पानी फ्लो वाटरफॉल वगैरह सब। बाकी इसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर। ये सब बकचोदी करनी है तो यहाँ पे ज़रूर आए। सन्नी भाई हमारे वहाँ पे खड़े हुए हैं भाई, वो रहे अपनी फैमिली ले 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 मेरे मुँह पे फेंक रहा है तू इतनी देर से। अरे दो आगे, आयशा बचाओ, जरा जोर से लगाओ जाने मन, जोर से फेंको, ये अब आया। गाइस फाइनली अपन नीचे उतर चुके हैं वहां से, चंद्रवाणी जो भी है, और अब पहलगाम आ रहे हैं, यहाँ पर अपने को लंच करना है, लंच करने के बाद सीधा निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो आज का स्टे श्रीनगर में होगा, और श्रीनगर में हम मार्केट सब घूमेंगे अच्छे से, गंडोला राइड भी कर लेंगे। वो आगे, तो आगे वाले चलते हैं, इस बार आगे वाले चलते हैं, ठीक है आगे वाले, इस बार आगे वाले में, कल हमने आगे वाले का भी मौका दो सेवा का। हाँ यहाँ बैठ, मतलब टेस्टी होगा यहाँ पे, वो दूध भी मिल रहा है भाई। ओ भाई नीचे आ गए और सारी बर्फ पिघल चुकी है नीचे आते, लेकिन भाई मौसम हो रहा है भाई स्नोफॉल वाला, ऊपर आप देख रहे हो बादल हो रहे हैं, तो भाई स्नोफॉल हो जाए तगड़े वाली मजा आ जाए।
तो गाइज ये है पर्ची जहाँ से हमने फोटो लेनी है, 200 रुपए की एक फोटो। बाकी ऐसा कुछ माहौल है भाई यहाँ का। तो गाइज ये फोटो ली है हमने, बहुत प्यारी लग रही है ऐशा। हाँ जी भाई सोनू भाई, दम मार रहे हो? दम दम एकदम दम आ रहा है भाई, पूरी दुकानें बंद हो चुकी है, हम खाने की तलाश में हैं यहाँ पे। पूरा दम लग रहा है पूरा दम लग रहा है, 1 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग। देखो भाई ये है लाल चौक मार्केट, सारी दुकानें बंद हो चुकी है, 9 बज रहे हैं रात के, और हम पहुंचे थे यहाँ पे 8:30 के आसपास, आधे घंटे में मार रहे तो भाई सारी दुकानें बंद। तो अब कुछ खास नहीं यार, गाड़ी तो फेंक दी टाइम से, गाड़ी तो भैया सही खेची 140 तक ले गया था, टाइम पे पहुंच गए थे लेकिन फिर भी लेट हो गए यहाँ पर। यानी 7 बजे 8 बजे ठीक ठाक चल पहल रहे, और सुबह 10 बजे या 11 बजे मार्केट ही ओपन है। तो अभी कुछ खाएंगे पियेंगे फिर सो जाएंगे, अगले दिन कल निकलेंगे गुलमर्ग के लिए। भाई खाना आ गया, फ्राइड राइस, चिकन करी, और ये बिरयानी और रोटी, बस ये 4 आइटम है। हम 4 खा रहे हैं, फ्राइड राइस वेज, ये 2 भाई खा रहे हैं नॉन वेज। बिरयानी सारी पलट ली आपने, थोड़ी भी नहीं बची। पलटी नहीं है मैंने, डाल ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ऑल सेट रेडी, पैकिंग रेडी, और अपना कुछ ऐसा लुक ऊपर से नीचे तक बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल। कैसे हो मालिक? मजा आ गया इस वाले रूम में। और ये छोटा मालिक बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं बोल रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज का शेड्यूल है कुछ ऐसा, यही बताएं कि अपन जा रहे हैं सीधा गुलमर्ग। टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा, 12 बज जाएंगे ऊपर पहुंचते पहुंचते, 1-2 घंटा वहाँ एंजॉय करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर पूरा श्रीनगर की मार्केट एक्सप्लोर करते करते सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। आज का स्टे होगा सोनमर्ग, अगर मौसम खराब नहीं होता है तो। अगर मौसम खराब हुआ, स्नोफॉल ज्यादा हैवी हो गया, तो सोनमर्ग को कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बिकॉज वहाँ पे अगर स्नोफॉल बढ़ गया तो भैया 6-7 फीट बर्फ नॉर्मल आराम से पड़ जाती है, 6-7 फीट में स्विफ्ट और ये सिलेरियो पर निकलना नामुमकिन है भाई, नहीं निकल। फिर भाई हम फंस जाएंगे, 2-3 दिन तो आराम से निकल जाएंगे, हम वहां से निकल नहीं सकते। तो अपने को कल घर निकलना ही है, क्योंकि टाइम अपने पास कम ही रहता है, अपना ट्रिप ऐसा ही रहता है भागम भाग वाला, जितना कम से कम टाइम में हम चीजें ज्यादा एक्सप्लोर कर ले वो बेटर अपने लिए, बाकी का कुछ कह नहीं। मिलते हैं सीधा आपको गाड़ी में और चलते हैं। सो गाइस फाइनली अपने चेकआउट कर दिया, होटल सीजा है जो कि पड़ता है ये कौन सी जगह में, लाल चौक पे जो कि आपने काफी नाम सुना होगा लाल चौक का, और इसकी हिस्ट्री आपको पता ही होगी। और बाकी गाड़ी हमारी रेडी है, साफ सुफ कर दिए शीशे और निकाल रहे हैं। चल भाई सोनू पीछे गेट लगा रहा हूँ, और तीनों की तीनों ही हीरोइन रेडी हो चुकी है, और हमारा छोटू भी हीरो हीरो कभी रेडी नहीं होते, छोटा हीरो रेडी हो गया अपनी चॉकलेट के साथ। ला मेरे को दे दे, एक दे। हाँ चल चल, एक मिनट और आ, थोड़ा सा आगे ले ले, चल 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 चल, रोक ले। यार ये मेरे साथ सीन क्यों होता है यार? क्या हो गया? नहीं अब सही हुआ है, कैमरा चालू कर दिया लेकिन वो रोटेशन नहीं हो रही है। वो ट्रेन चल रहा है बटरफ्लाई वाला, वो बनाएंगे ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ भाई, चलो भाई एंट्री लेते और निकलते भाई लाल चौक से। सबसे पहले जाएंगे सीधा गुलमर्ग। क्या चीज विंडो ओपन है? तो भाइयों मेन हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं, अपने को लेफ्ट लेना है, ये सीधा रोड गुलमर्ग को जाता है, इधर जाना है लेफ्ट। तो गाइज ये एक पार्क आया, बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल पार्क, गुलमर्ग जाते टाइम पे। सो गाइज हमने ये लिया है, और कश्मीरी डिश है ये कुछ, इसके अंदर छोले छोले से लग रहे हैं। हाँ जी सर, कैसे हो आप? और ऊपर से ये है। तो वही एक सीन हो गया है, सन्नी दोबारा से खो गया है, जो कि हमेशा की तरह खोता रहता है। और भाई ये यहाँ का रूट है यहाँ पे, सुनो तो एक नाम की नहीं है भाई यहाँ पे, सुनो तो हाँ, लेकिन रोड थोड़ी छोटी है, नैरो है, अब यहाँ से शायद राइट लेना पड़ेगा जाते हुए, कि गुलमर्ग में हमें शायद स्नो मिल जाए, होप है भैया। और मौसम भी हो रहा है भाई स्नोफॉल वाला, फुल बादल ही बादल हो रहे हैं, मौसम भी हो रहा है, हैवी स्नोफॉल मिल जाए बस, जिस चीज के लिए हम आए हैं। कल तो मिल गई थोड़ी बहुत, बस ये जाने वाला रूट जो है थोड़ा सा, 2 गाड़ियां कंफर्टेबल नहीं है इस पे चल पा रही है, नैरो है काफी ज्यादा, नैरो भी है, बड़े प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। तो गाइज हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं NH1, तो गाइज NH1 यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि करनाल वाला रोड, और ये देखो करनाल वाला जो रोड है यहाँ तक आ रहा है, गुलमर्ग सीधा पहुँच रहा है, और हो सकता है कि उसके आगे भी जाए। बिल्कुल करनाल वाला नहीं, गुलमर्ग एंड है, एंड है हाँ,
देखो गाइस यहाँ पे घर कितने प्यारे प्यारे हैं, गाड़ियाँ मिल चुकी हैं दिल्ली की, गाड़ियाँ बहुत सारी मिल चुकी हैं। दिल्ली से आते हैं बंदे है ना। हाँ। ये क्या है बीकॉन, ये बोर्ड टंगा हुआ आई लव बीकॉन, आई लव बीकॉन। भाई गाड़ी एवरेज क्या दे रही है? भाई गाड़ी जो एवरेज दे रही है 30 और 32 का एवरेज आ रहा है इसका, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत प्यार से एवरेज, बहुत प्यार से इसका। हम 2500 रुपए में कहाँ से कहाँ तक आते आ गए थे? दिल्ली से पहलगाम तक आ गए थे 2500 रुपए में, 2500 में आ गए थे। मतलब बहुत तो एवरेज जो है ना गाड़ी अच्छा दे रही है। बाइक के खर्चे में चल रही है, बाइक के खर्चे में चार जने जा रहे हैं, बाइक के खर्चे में फुल हीटर वगैरह चलाते हैं, फुल हीटर एसी सब चलेगा इसमें, म्यूजिक सिस्टम भी। डीजल गाड़ी है गाइस ये, स्विफ्ट पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल होती तो 2-4 किलोमीटर का फर्क रहता पर लीटर में, इसलिए ज्यादातर मारुति की गाड़ियां बिकती हैं भाई। चलो भाई खाने का टाइम हो गया है, रेस्टोरेंट मिला है अपने को काफी टाइम बाद, और गाड़ी हमने पार कर दी है। अपना सन्नी भाई भी पीछे आ रहा है, वो एंटर कर चुका है इस रोड के लिए गुलमर्ग वाली। बस होप है कि गाड़ी उसको दिख जाए, बाकी देखते हैं। सन्नी भाई हमेशा खो जाते हो तो। ये देखिए पिज्जा कटलेट की तरह पराठा है यहाँ पे। ये तो को खाने भी लगे पिज्जा की तरह, पिज्जा की तरह सही है। तू भी लेते हैं अच्छा पराठे, बहुत बढ़िया हैं पिज्जा कटिंग के साथ। और एक चीज देखो जिसे बोलता है गाइस कांगड़ी, कश्मीरी लोग फेरन के अंदर इसे पकड़ के रखते हैं ताकि वो अंदर से गर्म रहे, उसे उन्हें ठंड ना लगे। इसमें कोयले कोयले बहुत वार्म है भाई। अपडेट दे दूं, ऊपर से अपडेट आई है आगे से हमें गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा। और भाई देखो बादल कितने हैवी हो चुके हैं और ये पूरा पहाड़ बिल्कुल छुप चुका है, तो भाई गंदे वाला स्नोफॉल हो रहा है गुलमर्ग में और गाड़ियों को जाने नहीं दे रहा है। अपनी वैसी टू व्हील ड्राइव है और ना अपने पास स्नो चैन है, अगर स्नो चैन होती तो हमें अलाउ कर दिया जाता आगे जाने के लिए। यहाँ से ही चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है भाई, मुझे लग रहा है यहाँ से भाई हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही है और ऐसा लग देखो बिल्कुल लाइट लाइट बूंदे हैं शीशे पे, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन हमें डार्क हो रखा है पूरा बिल्कुल घना, बहुत ही हैवी स्नोफॉल है भाई ऊपर। टर्बो कर दे ऑन, टर्न राइट, चलता रहे चलता रहे, तू रोक ले रोक ले रोक ले, फुल चल रही है तो हमें ये गाड़ी क्यों नहीं जाने दे रहे? और अगर हम अपनी चेन लगा ले तो जाने दोगे? अगर चेन लगा गया ना हाँ, मगर नुकसान होगा गाड़ी का, थोड़ा रहेगा ना चेन मिलेगा आपको 600 में रहेगा चेन, आपको 600 रुपए चेन भी आपको हम दिलवाएगा वो बात नहीं, 600 रुपए की चेन है जी सर। ओके लगाने वगाने का भी जी लगा के एक टायर में दोनों में, दोनों टायर में लगता है चेन। किराए क्या है वो? या किराया किराया क्या किराया अच्छा, किराए का लगेगा 2800 रुपए लगेगा गाड़ी का। हाँ लेके जाएगा वापस भी लाएगा okay. चेन वाला गाड़ी। छह बंदे हैं हम, छह बंदे 2800 में, छह बंदे 2800 में, बाकी कहाँ यार 2800 में ज्यादा बता रहे हैं, हमारी किससे बात हो रही है? बात हो रही है तेरी किसी से जी? सन्नी भैया कर रहे थे कुछ, वो यही बोल रहे थे अभी हमारे से ना, पहले एक गाड़ी आ रखी थी, पहले हम बिछड़ गए थे जी, एक और गाड़ी आ रखी वो आगे है अच्छा, तो उसने किसी से बात कर रखी है। 2800 रुपया गवर्नमेंट रेट है भैया, जो कोई चेन वाला साथ में आएगा पहले बस में, आगे जाके वो पुलिस चेक करेगा रेट क्या दिया कितना अच्छा। दिया हाँ, अगर आप चेन बंद हो गए फिर आपके सर चेन बनवाएगा, अगर चेन नहीं लगेगा कोई चेन का 600 रुपए वापस देना पड़ेगा, वापस शाम को देना, वापस आके कुछ हमें जमा भी कराना पड़ेगा जी सर। जी सर कार्ड पर रहेगा, जब मैं आपके सर आपका खुद बैठूंगा कार्ड, तो चेन लगा मैं चला उधर बैठो थोड़ा लिफ्ट दे दो आप भैया कर लगाएं या फिर उससे चलेंगे गाड़ी से चेन अच्छा। पहले सन्नी से बात कर लेते क्योंकि दो गाड़ी है, दो यानी 1200 रुपए चेन के लगेंगे जी सर। जी सर 1200 रुपए चेन के लगेंगे, आप उधर बैठो चलो बात करते, पहले उससे बात कर लेते सर। आज आपका अच्छा लकी लोग हैं आप लोग, हम लोग परेशान गिरता है यहाँ से, 13 किलोमीटर पड़ चुकी है, पड़ रही है अभी, पड़ भी रहा है गिरा भी है। अच्छा गिरा भी है पड़ भी रहा है, आप थोड़ा उधर बैठो थोड़ा लिफ्ट दे दो फिर आपको चैन बनाएगा उधर। ठीक है ठीक है ठीक है, 50 रुपए की पर्ची और कटी है और ये हमारे भाई साथ में ड्राइवर भी जा रहा है और आगे स्नो चैन बांधी जाएगी, बांध रहे हो स्नो, और जिसको जाना हो कि हाँ मेरे को खुद ही ड्राइव करके जाना वो क्या उसको क्या मना करते हैं, मना करते हैं। कर देते हैं सीधा मना कर देते हैं। जिसको होगा ना शायद इस चीज का कि पलट जाए, देखो सर क्या होता हो जाए वापसी का, अभी देखो अभी उतना स्नो नहीं है लेकिन वापसी में इससे ज्यादा स्नो रहेगा सर, कोई भरोसा नहीं है। ओके ओके ओके
गुलमर्ग कितनी हाइट पे है? उससे हाइट पे है क्या? गुलमर्ग 10,000। अच्छा अच्छा, गाड़ी की अगर कोई डैमेज होता है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी है? नहीं, यहाँ पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे हमारी गाड़ी किसी की ठुके कोई हमें ठोके। अच्छा, यहाँ पे जिम्मेदारी किसी की नहीं है सर। अगर हमारी गाड़ी का, अल्लाह ना करे हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा तो हमें पैसे नहीं देने, और किसी और गाड़ी से हमारी गाड़ी से नुकसान हो जाएगा ना, हमें भी पैसे नहीं देने। यहाँ पर अपनी गाड़ी में स्नो चैन लग रही है, स्नो चैन का चार्जेस बता दो। 600 रुपीज होता है फ्रंट व्हील में, दोनों में लग रही है 600 और 600 प्लस। ड्राइवर हमारे साथ में जा रहा है ताकि कोई रिस्की ना हो सीन, इनको एक्सपीरियंस होता है, चला देंगे, चढ़ा भी देंगे और वापस भी लेकर आ जाएंगे। तो इन टोटल जो हमारा फाइनल हुआ है 2,000 रुपये में हुआ है दोनों गाड़ी का, 1,000 रुपये पर गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दोनों गाड़ी में चैन लग जाएगी। तो गाइस स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है ऊपर जाते जाते, अभी कुछ 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ है, बट रोड पे तो स्नो नहीं आई है। अपनी अपनी किस्मत बहुत बढ़िया है भाई, जहाँ जाते हैं स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है यार। सही कह रहा हूँ मैं यार, कल पहलगाम गए, पहलगाम में भी स्नो हो गया और यहाँ गुलमर्ग गए, गुलमर्ग में भी हो गया, तो अब सोनमर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इंजॉय कर लेंगे, सीधा घर चलेंगे भाई। अब सीधा घर जाएंगे, काम वाम खत्म करके। इन भैया की मेहरबानी, मेरा दीवाना तो है, दीवाना क्या बात है, यादगार रहेगा। कहाँ किसके साथ गए थे, क्या देखा था यार? जी 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? यहाँ के खुश रहेंगे ना वजीर भाई? मजीद भाई जी, मजीद भैया भाई, इनका हम यहाँ पे खुश रहेंगे ना तो हम यार और लोगों को अच्छा ही बताएंगे कि भाई कश्मीर जाओ, ऐसे ऐसे है वहाँ पे, आपको ऐसे करना चाहिए, अपना दिमाग मत लगाओ। कोई नहीं, हमारे व्लॉग्स देख देख के आएंगे लोग। तो चलो भैया पहुंच गए गुलमर्ग, फाइनल फर्स्ट टाइम गुलमर्ग की पार्किंग है। अच्छा ये गुलमर्ग आ गया, पैदल जाना पड़ेगा, मजे ही आ रहे हैं भाई। ये लो भाई फाइनल जमा हो जा बात, स्नोफॉल कल यहाँ पे होता था वो घोड़े, आजकल घोड़ा नहीं है। अभी जो आपको स्कीइंग वाला पॉइंट जाना ना, जहाँ आगे खिलमर्ग वहाँ चल रहे ना, वहाँ वो है ना, यहाँ से चलते हैं लोग, वो जो लोग है ना यहाँ से रहता स्लेज गाड़ी पॉइंट है। कैसे ले जाओगे? वो स्लेज गाड़ी रहता है, लकड़ी वाला गाड़ी, लकड़ी वाली गाड़ी से। कितना चार्ज है उसका? पर पॉइंट का रेट लिखा है भैया, जिसको भी आप जाओगे उस पॉइंट का रेट लिखा है 2,500 से। नहीं पर पॉइंट का रेट नहीं चाहिए भाई, ये सीन है कुछ यहाँ का। क्या तुम मेरी चेन लगा सकते हो? कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। आराम से ऐसे बैठे सको, ये सबको लेके जाएगा आगे, मैं वीडियो शुरू अच्छा बनेगा। देखो ये जो ना सेल्फी है ना, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, खुद ले लेंगे। क्या चलो चलो यहाँ से नहीं बेबी, इधर से चलना पड़ेगा, इधर से उधर से आ जाओ, आराम आराम से चलना। और तो गाइस यहाँ पे एक चीज देखिए, लोग आते हैं फोर्स करते हैं, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अगर आपको, आप फुल तैयारी करके आए हो ना तो किसी की बात मत सुनना, जो आपके पास है वो इनफ है। आपके पास वाटरप्रूफ जैकेट होनी चाहिए जो आपको भिगाए ना, वाटरप्रूफ जूते होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम तो गाड़ी भी लाने वाले थे, लेकिन भाई मेरी गाड़ी खुद की नहीं थी तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करा, इनको रिस्क नहीं लेना था इनकी गाड़ी से, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करा भाई। सही बात, अपन ट्रैवलर करके आएंगे, क्योंकि वापस जाते टाइम ना शाम हो जाएगी, तब ब्लैक आइस जम जाएगी ना, तो उस टाइम पे दिक्कत आएगी। हाँ भाई छोटू हो गया रेडी तू? अभी ये रो रहा था बहुत ज़्यादा, अब जाकर ये शांत हुआ है। जूते पहनाए इसको, जैकेट पहनाए, 500 रुपए का खर्चा करा इसका, तब जाके ये माना है, तब जाके ये माना है। नहीं तो मानता नहीं है अभी पे पैर। बाकी स्नोफॉल मस्त मजे आ रहे हैं। अरे गीले, अरे ठंड लग रही होगी उस जूतों में, इसको पैरों में थी ना वहाँ पे, इसलिए छिच्ची छिच्ची करके नहीं रख रहा था। अच्छा मनाली जैसा स्नोफॉल देखा है मैंने इस सेकंड टाइम पे गुलमर्ग में। बस दुख इस बात का कि अपनी गाड़ी नहीं ला पाए यहाँ पे। जानी जी ये साइड से बनाओ, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, मैं ट्राई कर लेता हूँ। मुंह पे मत खा लियो, चोट चोट नहीं खाएगा, सही होता है। ओ भाई साहब पूरी की ली, इसी से जाओ, ये चीज चिकना हो गया, इसी से जाओ जिससे ये गए हैं, इसी से जाओ। ये देखो, ये देखो, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, वीडियो बन रही है, जाओ ऐसा, लेकिन ध्यान रखना तुम अपना, ठीक है? पकड़ लेना, चलो चलो चलो, हाँ पकड़ लेना, पैर ऊपर मत रखना, पैर ऊपर नहीं, हाय से रखना। ओ भाई सुसु जम जाएगा,
जम जाएगा जम जाएगा। कहाँ रख रहे हो बर्फ, कहाँ रख रहे हो, जेब में डाल रहे हो? फोन का निशान बन गया। तो भाई फाइट होने वाली है बर्फ से। स्नो फाइट है, स्नो फाइट, पत्थर कोई यूज नहीं करेगा। इसको रूम लेके जाओ, वहां पे लेके जाओ। सुनो कौन सी फाइट की। अब उठा के घुमा दे, गोदी में उठा के घुमा दे। नहीं घुमा नहीं पाते। अरे बेइज्जती कर रहा है, जिम में जाता नहीं जाता। ये लो घुमा तो देगा। चलो हो गया हो गया भाई। बहुत भाई साहब बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज्यादा। और जब लोग, जब अपने यार दोस्त आते हैं ना, बचपन के यार दोस्त आते हैं ना, वो भी अपनी बीवी के साथ, तो मजा डबल हो जाए। सही बात है, है ना? बिल्कुल सही बात है भाई। भाई ये मेरा बचपन से साथ में है, दोस्त है और एक साथी है, और आज भी पूरे 30 साल हो चुके हैं साथ में। 30 साल बाद भी हम साथ में ही है। 30 साल में कम से कम 60 साल के, देखो दाढ़ी में सफेद बाल आ रहे हैं। बचपन में भी साथ में खेले हैं और साथ में शादी भी हुई है, तब भी हम साथ रहेंगे। चलो भाई बीबी की टोपी बुड्ढी हो गई। तो भैया मैगी टाइम एंजॉय करने के बाद में, बाकी यहाँ पे बिल्कुल वाइट वाइट हो चुका है चारों तरफ, कोई भी बंदा नहीं है आसपास। तो गाइस फाइनली बहुत कुछ एंजॉय कर लिया, बहुत एंजॉय कर लिया। और कैसा लगा एक्सपीरियंस बता, फर्स्ट टाइम? मजा आ गया। यहाँ जैसी जन्नत तो शायद ही कहीं नसीब हो। फर्स्ट टाइम कैसा लगा? बहुत ऑसम। ठीक है, इसने तो देखा हुआ ये सब चीजें, इनके लिए फर्स्ट टाइम था। सोनू भाई लेकिन फिर भी बेबी मैंने फर्स्ट टाइम की तरह एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल। और अरे नहीं करना, बहुत हो गया। नहीं करना। ये देखो भाई कितनी डीप बर्फ। सोनू भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस एक नंबर, बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत मजा आया। और अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ। चैन ला दे और चैन लगा दे, इसको लॉक कर दे। चलो भाई नहीं पकड़ी जा रही, इसको पकड़। बाल देख के बैठो। हाँ बैठ जाओ, अब जाओ, अब देखो आपको ये गाड़ी हमने खुद इन्वेंट करी है, फ्री। ऊपर रखो, ये गई। सो गाइस मैगी वैगी सब कुछ हो चुका है और स्नोफॉल अभी भी कंटिन्यू है। तो अभी अब हम श्रीनगर जाएंगे, वही अपनी जो हमने बुक करवाई है उसी से। और काफी इंजॉय करा, बहुत मजा आया गुलमर्ग में। फर्स्ट टाइम आया था मैं यहाँ पे, और बाकी कश्मीर मैंने घुमा हुआ है, तो फुल एंजॉय करा है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही है ना भाई, जब भी जहाँ पे भी गए हैं स्नोफॉल मिल ही जाता है और बाकी लोग नहीं मिलते। कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? भाई सच बता रहा हूँ, स्पीति गए थे वहाँ भी स्नोफॉल होगी। हाँ। भाई यहाँ आए यहाँ भी स्नोफॉल होगी, और हम पहलगाम गए थे वहाँ भी स्नोफॉल होगी। फुल मजा आ गया कसम से। गुलमर्ग की शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, सूरज कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्नो दिख रही है। और बहुत एंजॉय किया, स्नो फाइटिंग भी करी, बहुत मजा आ गया कसम से। मैगी वैगी खा ली, कॉफी वॉफी पी ली हमने। बैकग्राउंड में आप देखोगे तो भाई साहब आपको पेड़ों पे बारिश ही दिखेगी, एकदम बहुत मस्त लग रही है देखने में। तो आप चलते हैं बाहर के लिए, निकलते हैं यहाँ से। ये है लाल चौक, और एक देखो तिरंगा झंडा लहर रहा है भाई यहाँ पे। स्वागत है। तो आज हम आए थे डल लेक घूमने के लिए, जो कि सोन भाई की डिमांड थी। तो यहाँ पर आप बहुत यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। बताओ भाई क्या उसमें देखा है कि यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, कबाब वगैरह हो गया, गोल्डन फिश पकड़ के दिखाते हैं, और काफी सारी चीजें हैं। तो लेक के अंदर मैं लाइव देखना चाह रहा था, इसलिए मैं लेक के अंदर। क्या बात कर रहे हो, लेक के अंदर ना अभी चल के दिखाएंगे। सन्नी भाई हैं, भाई गोल्डन फिश पकड़ते हैं, कबाब वबाब खाने को मिलता है डल लेक के अंदर। ये बात कर रहे हैं यार, क्या बात करता है यार तू। तो यहाँ पे भाई आज भी तीसरा दिन है हमारे आने का, और तीसरे दिन तक स्नोफॉल का मूवमेंट चल रहा है। श्रीनगर में भी स्नोफॉल होने वाला है। कार में ना आने का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बाइक से कम थकान होती है कार के अंदर। सही में सच बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जो बाइकर्स होते हैं ना भाई, बहुत मेहनत करते हैं, सल्यूट है। और हम जैसे को भी, हम भी कर चुके हैं। मैं भी करता हूँ भाई, ये भी करता हूँ, मैं भी कर चुका हूँ। गाड़ी बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, बहुत कम्फर्ट जोन में रहते हो, ना ठंड का पता ना गर्मी का पता, बस अपना कम्फर्ट जोन में रहते हो। फैमिली के लिए गाड़ी
सबसे बेस्ट है। बाइक पे बिल्कुल भी मत चलो, सही बोल रहे हो भाई, अकेले चलो बाइक पे, बाइक पे सोलो चलो, सोलो ही बनी है बाइक यार बन चलने के लिए, पिलियन के लिए। लोग आते हैं दिल यहाँ पे ले रहे हैं, इधर रुकते हैं तो रेंट पे लेते हैं क्योंकि दो लोग होते हैं सस्ता पड़ जाते हैं। ऐसी छोटी गाड़ी बहुत यानी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होती, आइटम भी सबसे बेस्ट रहेगी, नहीं अगर ट्रैवलिंग के लिए चाहिए थोड़ी एसयूवी, ग्राउंड क्लियरेंस पंच ओके रिपोर्ट है, गाड़ी पंच अच्छी है, सस्पेंशन भी ओके रिपोर्ट है। हाँ मिनी एसयूवी आप खरीद सकते हो आराम से, 7 लाख रुपए ऑन रोड आ जाती है स्टार्टिंग। ग्लव्स है हम पे डीकैथलॉन वगैरह के। तो गाइस ये रही हमारी बोट न्यू लाइफ स्टार, हमारी बात हुई है 1000 रुपये में फाइनल, जो कि 5 जगह घुमाने को कह रहे हैं और वो 5 जगह आपको धीरे धीरे और गोल्डन आपको धीरे धीरे फुल डिटेल में आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये रही हमारी चमक छलो। क्या हुआ अभी भी गुस्सा है क्यों? तो आजा भाई तू तो आई जाएगा, बैठ गए सारे के सारे। अपनी फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ये भी। इसको उधर का बिठा यार। कैसा लग रहा है भाई लोगों? अच्छा लग रहा है, मस्त कर रही है ज्यादा इस तरह। मेरे को बहुत डर लगता है पानी में। पकड़ो इसको, पकड़ो तुम इससे बनाना ठीक है, कैमरा मत गिराना। और अपने बोट को ना ज्यादा हिलाना मजा आएगा। ओए गिरा देना इस तरफ को, झूला जैसा है ठीक है, झूले की तरह और झुला दो इसे। व्लॉग बन रहा है आपका YouTube पे, वायरल करेंगे आपको। अंकल हमें उधर फोटो खिंचवानी है। तो भाई सब सारे लोग आ चुके हैं यहां पे, मीना बाजार आएगा, सभी आ चुके हैं, छोटा सा भाई कर लेंगे मस्त। मीना बाजार यहां को बहुत अब ठीक है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है लोग यहां पे बोट अभी भी ऐसी हो रही है। 3000 है भाई, इनको नहीं पता 3000 रुपए। तो कावा वाले आए हैं हमारे पास, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम। कितने का है कावा? 50 रुपीज है। एक टेस्ट कराओ चलो पहले, चलो एक टेस्ट कराओ, 50 रुपीज निकाल दे। खतरों के खिलाड़ी भाई, दो नाव बगल में चल रही है। इन्होंने घेर लिया हमें चारों तरफ से। चाय चाय थोड़ी ना है वो, ये वही को आवा है ऊपर निकल, वहाँ पे लद्दाख में पिया था, वही लग रहा है मेरे को ना। इसको इधर बिठा दो ना। पी पी कैसा लगा? सही है ना इसी में पी लेंगे ये सब, जो बंदा इसको एक घूंट में पी जाए। नहीं ये उसकी तरह लग रहा है, टेस्ट करो, लो ये लो टेस्ट करो, मजा आ रहा है तुमको? कावा ये कश्मीर का कावा, बोट में, बोट में ही। हम भी पता है पिछली बार श्रीनगर आए, डल लेक के बगल से निकल के चले गए। दो बार, तीसरी बार मैं निकला हूँ यहाँ, मैं आया तो दूसरी बार अंकल नाव लाएंगे तो सब चिल्लाएंगे। अच्छा वो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। ये है फ्लोटिंग गार्डन, यहाँ पर ये पानी के ऊपर जमीन है। हाँ पानी के ऊपर जमीन है और यहाँ पर खेती वगैरह होती है, गाजर उगती है, खीरा तरबूज ये सब चीजें उगाई जाती हैं। यहाँ ज्यादा गहरा नहीं होगा ना, इस पे खड़े भी हो सकते हैं? नहीं। ओके तो नाव से ही जाके तोड़ना होता है। कहने का मतलब है पानी के ऊपर एक शहर बना दिया इन्होंने, जैसे निशमॉल हो गया इस टाइप से। यहाँ पे मीना बाजार भी आ चुका है, क्योंकि मीना बाजार हर जगह मिल जाता है, मीना बाजार काफी फेमस है कपड़ों के मामले में। ये मीना बाजार है, पूरा डल लेक का व्यू है। गाइस यहाँ पे शिकारा बोट भी बनाई जाती है मीना बाजार में। ये देखो रामडन एक्सपोर्ट हाउस, ये पूरा मीना बाजार है, बहुत बड़ा है यार मीना बाजार। यहाँ पे वीडियो बना रहे बिना फालतू में, क्या हुआ क्या किया मान के नहीं देते। ये देखो बच्चों के, ओए इसको पकड़, ओए वह कितना जिद्दी है यार ये। ज़्यादा नहीं है भैया, आपको देना तो
वो क्या है वो क्या है वो रे तो गोल्डन फिश बाप रे और आ गया वो ये देख ये रही गया सच में अभी उधर है 100 रुपए निकाल ना जाली फिश कैश नहीं बिल्कुल भी निकालना पड़ेगा ऑनलाइन नेटवर्क ये देख मछली ओ मछली पकड़ ली ओ भाई पकड़ ली ओ मछली भाग रही है ऑनलाइन ओ मछली भाग लो जी फाइनली शिकारा राइड फिनिश हो चुकी है काफी अलग एक्सपीरियंस रहा बोट का भी और बोट के साथ में भी पहली बार बोट में भी बैठा हूँ और ये हमारे साथी लोग आ रहे हैं और बच्चे वापस आ रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ गुलमर्ग कश्मीर हाँ बहुत नहीं नहीं ज्यादा थी अरे इनके पास स्टेपनी भी नहीं है क्या नहीं ऐसी कोई राइड है जो पनौती के बिना कंप्लीट हो जाए कौन पनौती लोकी और आज भी यही गाड़ी चला रहा है पनौती एकदम जाओ आप लेके